शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। ऑटो, ऑटो। भैया वो चौक पे बड़े मंदिर के पास जाना है। कहाँ थे तू? इतनी देर क्यों लगा दी? बेहोश होके गिर जाती भूख के कारण। माफ कीजिएगा माँ जी, किसी तरह छिपते छिपाते आई हूँ। हाँ ठीक है, दो। वो ये सब करने में ना वहाँ अभय जी बहुत परेशान हो गए हैं। तो बेटा है, माँ के लिए परेशान नहीं होगा क्या? और जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। ये सब तो मैं हमारे भविष्य के लिए कर रही हूँ ना। हाँ ठीक है। 6 दिन की चुनौती तो अभी भी बाकी है श्रद्धा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तनुजा का साया भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी, और फिर जल्दी ही मैं और मेरा बेटा इस परिवार से, तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बेटे से बात कर ली जाए, परेशान हो रहा होगा ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ, पैसे का इंतजाम हो गया? देखो अगर अपनी माँ को जिंदा चाहते हो ना, तो मंदिर के पीछे उसके पास में जो गोडाउन है ना वहां आ जाओ, और अभी आना वरना तुम्हारी माँ को। जा तू घर अब। अरे यहाँ हम नाटक खेल रहे हैं क्या? अरे मुझे बांध के जा, अभी आएगा तो लगना तो चाहिए ना कि गुंडों ने मेरी क्या हालत कर रखी है। हा? आंखों पे पट्टी बांध। जी। आंखें बंद होगी ना तो अभी पूछेगा गुंडों के बारे में, कह दूंगी ना। अरे बेटा मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं कहाँ हूँ बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। माँ, माँ, वो तो आपको ही बचाने के लिए गए थे ना, मिले नहीं क्या? मुझे भी ऐसे ही लगा कि मुझे मेरा बेटा बचा रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ है तो अभय कहाँ है? तनुजा की ऐसी हालत, ये कैसे हुआ? मम्मी क्या हुआ आपको, बैठिए।
ठीक तो होने मम्मी आप ही कैसे हुआ? माँ अच्छा हुआ आप ठीक है, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मम्मी मुझे वहाँ जख्मी हालत में मिली। आप शायद जानती नहीं होंगी पर मम्मी ने ही आपको गुंडों से बचाया, फिर पता नहीं कैसे वो खुद वहाँ फंस गई। जितनी भोली दिखती है ना उतनी ये है नहीं श्रद्धा, मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया इसने, पर असली सवाल ये है कि ये सब इसने किया कैसे? अब ठीक लग रहा है? माँ जी ठीक नहीं किया आपने ये सब करके। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी जीत पर। जीत? चुनौती आपने मुझे दी थी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अभय अपने परिवार में सबके साथ हमेशा खुश रहे, कम से कम इतना तो हक बनता है ना उनका। मगर आपने रिश्तों को एक खेल बना के रख दिया है सिर्फ शर्त जीतने के लिए। आपने अपने आप को अगवा करवा दिया, एक बार भी नहीं सोचा ना आपने कि इन सब में अभय की क्या हालत हो रही होगी। पैसों का इंतजाम करने के लिए उन्होंने अपनी बाइक तक बेच दी। अब सवाल मैं पूछूंगी और जवाब तुम दोगे, ने ये सब किया कैसे? गौरी आपको बहुत मानती है माँ जी, और आपकी सच्चाई तो अपने मुंह से हमें कभी नहीं बताती, तो फिर हमारे पास भी सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था, उसका पीछा करना। वैसे माँ जी क्या मिला आपको आखिर ये सब करके? बेशक आज मैं हारी हूँ पर मेरी ये हार ना तुम पर बहुत भारी पड़ेगी श्रद्धा। सब कुछ अभय ने किया मगर वो है कहाँ? हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल भी नहीं, ना तो मैं अपना बर्थडे मनाऊंगी और ना मैं केक काटूंगी और आपसे बातों में बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? क्योंकि हर वक्त आप मुझसे सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं, मुझ पर सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। आज मेरा बर्थडे है और एक बार को ये भी नहीं सोचा ना आपने कि आपको मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए। क्या किया आपने अभी? अब रुकिए, अब मैं आपको बताती हूँ। अरे तुम्हारा जन्मदिन है तो मेरा केक लगाना बनता है, होली थोड़ी ना खेलेंगे केक से। अच्छा शुरुआत किसने की थी? रुकिए, छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं आपको। इधर आइए, कहाँ भाग गए आप? अबे अबे
ठीक है लीजिए, कुछ नहीं कर रही मैं आपको अब। बहुत जल्दी हार मान ली। पास आइए। मैं कभी हार नहीं मानती। इस हार में भी मेरी ही जीत है। किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत की लकीरों से। माफ कीजिए, वो माजी ने कहा था पानी देने को। वो पानी कैसे मांग रहा था? चलो केक काटते हैं। काफी लेट हो गया है, सुबह मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। लेकर क्यों आई तुम्हें यहाँ अपने साथ में? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ना वो वहाँ तनुजा के साथ है, मुझे छोड़कर वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। तुम्हारा इतना दिमाग काम नहीं किया हा? कि अगर श्रद्धा को तुम पर शक हो गया है तो तुम्हारा पीछा भी कर सकती है। बिगाड़ दिया ना तुमने मेरा प्लान। माफ कीजिए माँ जी, हमारी वजह से सब खराब हो गया। हम समझ सकते हैं एक माँ का दर्द, बेटे को खुद से अलग। बस ये अपना रोना धोना ना कहीं और करना। जाओ एक कप चाय और बना कर लाओ मेरे लिए, और खाली चाय मत लाना हाँ, साथ में समोसा कचौरी कुछ लेकर आओ। किचन में जाके रो। चल कुछ तो करना पड़ेगा अभी को तनुजा से दूर करने के लिए, पर क्या सोचना पड़ेगा। क्या? पर ये कब से हो रहा है? पिछले कुछ दिनों से इनका बीपी लगातार गिर रहा है और आपको पता भी नहीं है। देखिए आज भी कितना कम आ रहा है। आप अपना ध्यान रखिए प्लीज, आपको दवा पे ही जिंदा रहना है क्या? मैं इनका वाइटमिन्स लेके आती हूँ। जी कोई मुझसे कहता था कि जब तक खुद का ख्याल नहीं रखा तो दूसरों को कैसे रखेंगे, अब क्या हो गया? क्यों नहीं रखा खुद का ख्याल आपने? मम्मी ये बहुत गलत बात है। बेटा तुम अपनी इस माँ का ख्याल नहीं रखना चाहते, हम तो ये सोच रहे थे कि तुम हो तो हमें। बेटा बेटा घर वापस आ जाओ, अब तुम देवयानी को भी साथ ले आओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम अपने बेटे की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। माँ को जरा भी तनाव हो जाए ना तो चक्कर खा के गिर जाती है, अब ऐसे में मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। जो भी ठीक लगे। ये ठीक लग रहा है तुम्हें? जरा भी अंदाजा है इसका क्या असर होगा? ये दोगी तुम उन्हें? माजी की तबीयत का जरा भी ख्याल नहीं है ना तुम्हें? क्या हुआ श्रद्धा? अभय जी हम तो बस माजी के लिए नाश्ता लाए थे, पर श्रद्धा जी बहुत नाराज हो गए। क्यों गौरी के पीछे पड़ी हो तुम? अभय मैं पीछे पड़ गई हूँ? आपको इसकी गलती नहीं दिख रही है क्या? माँ जी को कैंसर है और कैंसर में हम उन्हें इतना तला हुआ खाना खिलाएंगे क्या?
नहीं ना, तो मेरी जान के पीछे पड़ गई है, तो मेरे मुंह का निवाला भी छीनने आ गई है। माँ जी की अभी कितनी सारी दवाइयां चल रही हैं, ये सब खिलाना उनके लिए ठीक रहेगा? श्रद्धा सही कह रही है, ये तला हुआ मिर्च मसाला वाला खाना बंद करना होगा। इसीलिए मैंने माँ जी के लिए पहले से ही कुछ खास बना के रखा है। खास आपके लिए करेले का जूस। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं पीना। नहीं अब है, आप ही बताइए ना, माँ जी की सेहत के लिए कितना अच्छा है। इसे पीते ही इनके शरीर में तुरंत फुर्ती आ जाएगी और इनका पेट भी ठीक रहेगा, है ना? मगर ऐसा लगता है ना अबे कि माँ जी आपसे प्यार ही नहीं करती, तभी तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही। माँ, अपने बेटे के लिए जीने की इच्छा खत्म होगी क्या? आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो इतने सारे खोए हुए साल आप वापस कैसे पाओगी? हाँ बेटा, पर अभय मैं तो कहती हूँ आप ही अपने हाथों से इन्हें पिला दीजिए, इन्हें अच्छा लगेगा। अरे क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पीना वो बेटा। अच्छा बैठिए ना। नहीं बेटा, मुझे ये नहीं पीना। माँ थोड़ा कड़वा लगेगा पर आपके लिए अच्छा है, एक सांस में पी जाइए। थैंक यू श्रद्धा, मेरी माँ की बीमारी का ख्याल रखने के लिए। क्लास हो तुम अपने आप को? ये कड़वा जूस ना मेरे दिल में जहर की तरह उतर गया है। तुमने टस लिया ना तो बचोगी नहीं। एक ग्लास कड़वा जूस पीकर आप इतनी नाराज हो गई, कभी सोचा है आपने अगर आपका ये झूठ अभय के सामने आ गया तो उनकी क्या हालत होगी? हर वक्त अभय के मन में ये डर रहता है कि किसी भी पल वो अपनी माँ को खो देंगे। सच भले ही कड़वा होता है मगर अंत में वो सब के लिए बेहतर ही साबित होता है। बढ़िया है, बहुत शानदार भाषण दिया है। असलियत में तो तुम मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहती हो। मैं छीनूंगी आपका बेटा आपसे? आप तो खुद अपने बेटे को इतने साल पहले अकेला छोड़कर चली गई थी, वो भी सिर्फ अपने फायदे के, और आज इतने सालों बाद भी अगर आप अपने बेटे के पास लौटी है ना तो उसमें भी आपका फायदा छुपा है। ऐसी होती है माँ। अभय भले ही अपनों से नाराज हो सकते हैं मगर कभी भी वो अपना रिश्ता नहीं तोड़ते। अब भी वक्त है आपके पास, अभय को सब कुछ सच बता दीजिए, माफ कर देंगे वो आपको। आज तक ना किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे आगे इतना मुंह खोले। आज तक आपको किसी ने परिवार की अहमियत भी तो नहीं सिखाई, मगर अब परिवार की अहमियत सीख लीजिए और संभल जाइए। धमकी दे रही हो तुम मुझे? ऐसा क्या हुआ जो आप श्रद्धा पे हाथ उठाने वाले थी? वो बेटा मैं तो नहीं, वो बोलो जवाब दो मेरी बात का। अभय आप क्यों सास बहू के बीच में आ रहे? माँ अगर अपने बच्चे पर हाथ उठाती है तो इसमें कभी किसी को बुरा लगता है क्या? माँ की मार में ही तो उनका प्यार छुपा होता है ना?
नहीं बहू, तुम मेरी गलतियों को मत छुपाओ। मुझसे गलती हुई है, मुझे ना तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे माफ कर देना बेटा। ये आप क्या कर रही हैं? आपका हाथ मुझ पर उठे वो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए, माफी मांगने के लिए नहीं। मैं कितनी भाग्यशाली हूं ना, मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। तुम ठीक हो ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाइए ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये लीजिए भाभी, गर्मा गर्म कड़क चाय। नहीं ऋतु, हमें नहीं पी। क्या हो गया भाभी? जब आप गई थी तब तो अपनी बत्ती से दिखाते हुए गई थी अभय के साथ डॉक्टर के पास, और अब जब लौटी है तो आपका फ्यूज क्यों उड़ा हुआ? हाँ, पर वो क्या बताएं? बुआ जी? हाँ बुआ जी, सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक ही तो नहीं है श्रद्धा, तुम्हारी वो नई नवेली सासू माँ, हमारा मतलब है कि नेवली सासू माँ, उस नेवली सासू माँ की वजह से अब मैं घर वापस नहीं लौटना चाहता ना। एक तरीका है बुआ जी, सुनिए। श्रद्धा, तुम अपने दिमाग की बत्ती पहले ही जला देती तो ये सब कुछ पहले ही हो जाता। चलो कोई नहीं, अब हो जाएगा। चलिए ना, मैं घर जाना चाहता हूँ आपके साथ। अगर आपको नहीं जाना है तो ठीक है। मैंने कल घर में पूजा रखी है, पूजा के बाद चलेंगे। ये माँ जी आखिर किससे बातें कर रही है? चाहे कुछ भी हो जाए ना, अभी कल पूजा के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपकी हरकतें देखकर तो मुझे पूरी तरह से शक हो रहा है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। मैं मम्मी जी को और निराश नहीं कर सकती। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।